हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। प्रोबेबिलिटी क्लास 12th लेक्चर 1 बेसिक से भाई आज हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। तपस्या सीरीज जो हम लोगों ने शुरू करी थी, इंटीग्रेशन पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ा, वेक्टर किया, 3D किया, LPP कर लिया, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी 8 बजे वाले बैच में चल रहा है, इस बैच में प्रोबेबिलिटी। इसके बाद मैट्रिक्स पे जाएंगे, फिर डिटरमिनेंट पे जाएंगे। 8 बजे वाले बैच में कॉन्टिन्यूटी चल रहा है, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू होगा। वहाँ पे कंप्लीट सिलेबस, जो सिलेबस के लिए कह रहे कि सर पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हो, तो हाँ भाई पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं। कोशिश तो यही कर रहा हूँ भाई कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आप लोगों को कवर यहाँ पे करवा पाऊँ, कम से कम टाइम पास हो, ठीक है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों को कॉन्टेंट यहाँ पे अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड कराएं। तैयारी जो भी रेगुलर आए तो उसका टाइम वेस्ट ना हो, उसकी अच्छी तैयारी एग्जाम की हो जाए यार। प्रोबेबिलिटी जिसने भी 11th में नहीं पढ़ा है, निश्चिंत रहे, मैं बेसिक्स मैं ऑब्वियसली मैं कराऊंगा, हर चैप्टर में करवाता हूँ यार, बेसिक्स के साथ ही मैं सभी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा है, जिसने भी पहले प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा है वो निश्चिंत रहे, अभी पढ़ेंगे समझ में आएगा बेटा। एक बार फटाफट से पहले सभी बच्चे ना अपनी अटेंडेंस लगा दो, जितने भी बच्चे आ चुके हैं अपने अपने असली नाम के साथ, अपने असली नाम के साथ बेटा आप लोगों ने कमेंट करना है। वो नाम नहीं जो तुम्हें पसंद है और तुमने YT पे सीधा यूजर नेम पे लगा दिया, वो नाम जो तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा रखा है, जो वो नाम जो तुम्हारा स्कूल का नाम है, वो नाम जो तुम्हारा आधार कार्ड पे छपा हुआ है, उस नाम के साथ बेटा आप लोगों ने कमेंट करना है। सभी को अपनी अटेंडेंस लगानी है जल्दी से। जिसने अभी तक वीडियो सेशन को लाइक नहीं किया होगा, लाइक्स की संख्या फटाफट से 100 के पार करवाओ भाई, लाइक्स की संख्या फटाफट से 100 के पार भी करवा दो, लाइक्स की संख्या भी फटाफट से 100 के पार करा दो यार, ठीक है। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। रोल नंबर 1 खान आकिब, दीपक कुमार, भावना, शुभम, ऋत्विक, मधु, डिंपल, कुंदन, आर्यन, पोरवाल द स्टूडेंट, स्टूडेंटे, हाँ, शिवम, सुमन राज, मेरो काना लाल पूर्वा, अद्भुत, श्रेयान जयसवाल, आशीष सर, अबे सर मेरे को बोल रहा है, खुद को बोल रहा है, सनातन धर्म हिंदू, लेवा प्रेजेंट, ओके सर आपके कारण मेरा इंटीग्रेशन ठीक हुआ। अच्छा भाई, सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, बताओ कैसे पढ़ूं। कलश यहां भी, कलश वहां भी, चले ग्रेट 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 ग्रेट। सेशन के दौरान हमारे प्यारे जूम वाले बच्चे भी हैं। संख्या कितनी है? 63। अब भाई लास्ट तक टिक पाओगे नलायको? ये बहुत से ऐसे हैं जो गधे इसमें ज्यादा गायब हो जाएंगे, 63 से क्या है 40-45 तक हो जाएगा, और यहाँ पर भी संख्या भी 95 आ रही है, 100 भी हो जाएगी, है ना। बट तुम जो सोचते हो कि यार हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो चलो इस बार ढंग से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, घर पे होमवर्क भी करेंगे, बट तुम ये कंसिस्टेंसी क्यों नहीं दिखा पाते हो यार, तुम डेली क्लास में क्यों नहीं आ पाते। ये जो संख्या है अभी 90 है, कल ये 60 हो जाएगी, कल 70 हो जाएगी, फिर 40 हो जाएगी, लास्ट तक मेरे पास एक्टिव जो स्टूडेंट्स हैं 35-45-50 के आसपास स्टूडेंट मेरे पास बचते हैं जो चैप्टर के लास्ट तक रहते हैं। प्रोबेबिलिटी है लगभग 5 या 6 क्लास के आसपास इस चैप्टर में भाई मुझे लगेंगे CBSE वालों को पढ़ाने में, ठीक है। कोई अगर मेरा ISC वाला, कोई बिहार बोर्ड वाला भी स्टूडेंट अगर यहाँ पर है तो आप लोगों के लिए भी बता दूँ, अभी जितनी क्लासेस चल रही है बेटा सब में प्रॉपर आओ। 15 या 16 तक मैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वगैरह भी सारा मैं यहाँ पर ख़त्म करवा दूंगा। लास्ट के ये जो जनवरी के जो लास्ट के जो 15-16 दिन हमारे होंगे उसमें मैं यहाँ पर ISC और बिहार बोर्ड वाले ही मेरे सभी स्टूडेंट को यहाँ पर पढ़ाऊंगा, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बेटा मैं यहाँ पर आप लोगों को लाइव में तैयारी करवा दूंगा। तो लाइव में रहना भाई, ठीक है, आपका ही अच्छा होगा, आपको फायदा होगा यार। चलिए ओके, जितने भी रेगुलर है बहुत अच्छी बात है बेटा, जितने भी रेगुलर है बहुत अच्छी बात है।
ओके जूम वाले बच्चे सुन पा रहे हो सभी? सर मैं मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ वाईटी पर। क्यों नहीं कर पा रहा है? किसने ब्लॉक कर दिया तुझे? ओके एक बार जूम वाले बच्चों का भी एक बार माइक ऑन करते हैं। चलिए भाई लोग ऐसा है अननेसरी बीच में बेटा आप लोग परेशान नहीं करेंगे, ठीक है? जूम वालों बहुत सीरियस डाउट कुछ रहेगा है ना तो आप पूछेंगे। हाँ चलिए ओके मेरे साथ यहाँ पे गगना माइक ऑफ रखना बेटा प्लीज। ओके ओके कार्तिक भाई सुन पा रहे हैं? कार्तिक यस सर। ओके ओके चले देखिए स्टार्ट करते हैं। कार्तिक भाई तूने पहले पढ़ा था प्रोबेबिलिटी? नहीं सर पहली बार पढ़ रहा है। यस सर ये तो सही चीज होगी यार तो तेरे से बात करेंगे भाई। मैं ओके सर भाई बाकियों का माइक ऑन नहीं कर रहा हूँ। यूट्यूब पे कमेंट करने मत लग जाना कि हाँ पैसे बर्बाद हो गए हमारे माइक ऑन नहीं करवा रहे बहुत मारूंगा नालायकों तो देखेंगे ध्यान देना यहाँ पे। हाँ ठीक है जिसको दिक्कत लगेगी हैंडरेस करेगा। चले कार्तिक भाई प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है बेसिक्स तो हमें मालूम है कि जब भी हम किसी इवेंट के होने या ना होने के चांसेस की हम बात करते हैं किसी इवेंट के होना या ना होना उसको मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करना होता है तो वो जो चांसेस हैं उससे हम प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं। यस सर एक बड़ा ही बेसिक सा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। कौन से इवेंट्स? ऑल पॉसिबल आउटकम्स। कैसी बात है? Yes. ये क्लास 10th में डेफिनेशन होती थी। अच्छा 10th में हमने ये भी पढ़ा था कि कोई एक इवेंट ऐसी है जो श्योर इवेंट है जो पक्का होनी है निश्चित घटना उसकी प्रोबेबिलिटी 1। कोई एक इवेंट ऐसी हो सकती है जो इम्पॉसिबल है जो कभी हो ही नहीं सकती इम्पॉसिबल इवेंट उसकी प्रोबेबिलिटी 0। जनरली किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से लेके 1 तक रह सकती है कुछ भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती 0 से कम भी नहीं हो सकती है। किसी भी इवेंट के होने प्लस उसके ना होने दोनों को अगर प्लस करें बेटा तो उसको प्लस करके आंसर कितना आता बेटा? One. ये आंसर 1 के इक्वल आया करता है। क्या करेक्ट है? यस सर। फिर हम क्लास 11th में आए उस 11th में आके बेटा फिर हमने एक एक्सियोमेटिक अप्रोच एक मॉडर्न अप्रोच हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ी जहाँ पर हमने कहा कि अब से जो एक्सपेरिमेंट होता है किसी एक्सपेरिमेंट को जब हम करते हैं तो उनके सभी पॉसिबल आउटकम से हम एक सैम्पल स्पेस बनाते हैं तो सैम्पल स्पेस को हम इस तरह से एक रेक्टेंगल बना के दिखाया करते थे। फिर हम कहते थे कि इसके अंदर आपको सेट ए देखने को मिल सकता है कोई दूसरा सेट बी भी देखने को मिल सकता है कुछ सेट सी भी देखने को मिल सकता है। तो फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाता था कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फाइंड करना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अगर आप लोगों को फाइंड करना हो तो यहाँ पर आप क्या करेंगे तो आप कहते थे कि ये देखो कि ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए उसे डिवाइड कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल। ये जो रेक्टेंगल इस पूरे रेक्टेंगल को हम यूनिवर्सल बोला करते थे तो इससे आपको ए की प्रोबेबिलिटी मिल जाया करती थी। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर कोई एक यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर आपको ए देखने को मिल रहा है ए में क्या क्या है 1, 2, 3 और यहां पे बाहर आपको 4 भी देखने को मिल रहा है 5 भी देखने को मिल रहा है 6 भी देखने को मिल रहा है 7 भी देखने को मिलता है 8 भी और 9 भी। यहां पर आपसे पूछा जाए कि बताओ इवेंट ए के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है तो आप बोलेंगे कि ये देखो कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं ए में आप कहेंगे कि सर 3 एलिमेंट हैं 3
और पूरे यूनिवर्सल के अंदर आपको इसमें 9 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो आप यहां पर कह दिया करते थे बेटा कि ए की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/3 होगी, क्या ये सही है? Yes. फिर आपने कुछ फॉर्मूले बेटा, बेसिक फॉर्मूले आपने क्लास 11th में जो पढ़े थे, मैं वो एक बार वो रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि उनकी जरूरत बेटा यहां पर पड़ेगी। तो हमारा एक फॉर्मूला हुआ करता था कि कभी भी ए और बी की प्रोबेबिलिटी अगर हमें फाइंड करना हो, ए और बी, बेटा याद रखिएगा ए और बी जब हम कहते हैं तो हम यहाँ पे ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जो होता है बेटा, इसका वेन डायग्राम होता है दोस्त, वेन डायग्राम क्या है कि अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो आपका ए यूनियन बी में ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी इसमें आया करता है। और इसको फाइंड करने के लिए हम कहते हैं कि ए की प्रोबेबिलिटी में प्लस करेंगे बी की प्रोबेबिलिटी, माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। याद रखिएगा यूनियन फाइंड करना है तो इंटरसेक्शन को माइनस करना है, यूनियन फाइंड करना है तो इंटरसेक्शन को माइनस करना है। ये जो चीज़ मैंने लिखी, ये जो चीज़ बेटा मैंने यहाँ पे लिखी है ए और बी, इसे हम मेरे दोस्त, इसे हम एटलीस्ट वन सेट के नाम से भी हम पुकारा करते हैं। कभी अगर एटलीस्ट वन इवेंट बोल दे, एटलीस्ट वन सेट बोल दे, तो समझ जा तुझे यूनियन फाइंड करना है। ऐसा क्यों मेरे भाई? देख, अगर मैं तुझसे बोलूं कि ये यूनिवर्सल है, ये इवेंट ए है और ये इवेंट बी है, जरा बात को समझियो। मैं कहूं कि ये जो डॉट है ये क्या ए के अंदर आ रहा है? नो सर। क्या ये बी के अंदर आ रहा है? नो सर। ये ना तो ए के अंदर है ना ही ये बी के अंदर है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है बता, ये ए और बी में कितने सेट के अंदर आपको देखने को मिल रहा है? सर एक सेट। ये पॉइंट आपको कितने सेट के अंदर देखने को मिल रहा है? एक के अंदर। ये पॉइंट आपको कितने सेट के अंदर देखने को मिल रहा है? दो के अंदर देखने को मिल रहा है, ए और बी दोनों के अंदर देखने को मिल रहा है। तो जब हम बोलते हैं एटलीस्ट वन सेट, तो यहां पर बेसिकली हम उन एलिमेंट्स की बात करते हैं जो किसी ना किसी सेट के अंदर जरूर हैं। जैसे ये बेचारा किसी के भी अंदर नहीं है, बट ये सिर्फ एक ही सेट के अंदर है, वो सिर्फ एक ही सेट के अंदर है और ये दोनों सेट के अंदर है। तो जब हम बोलते हैं एटलीस्ट वन सेट, इसका मतलब क्या है कि या तो एक सेट सेलेक्ट होता हो या एक से ज्यादा सेट सेलेक्ट होते हो। तो देख सकते हैं ये वो तीन हिस्से हैं मेरे भाई, ये ठीक है दोस्त? Yes. तो कभी एटलीस्ट वन सेट बोले तो तुझे समझा कि तुझे यूनियन फाइंड करना है, वन सेट बोले तो तुझे यहाँ पे यूनियन फाइंड करना है। क्या ये बात याद रहेगी मेरे भाई? यस सर। अब जैसे एटलीस्ट वन सेट बेटा मैंने बोला, मैं अगर कहता बोथ सेट ए एंड बी, या सिर्फ बोल दे ए एंड बी, मेरे दोस्त एंड शब्द यूज हो जाए, ठीक है, इंटरसेक्शन, तो यहां पर इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन अगर आपको निकालना है, ए में B प्लस कर लेंगे, यूनियन को माइनस कर देंगे, A में B को प्लस कर देंगे, यूनियन को माइनस कर देंगे, A B, वो पार्ट जो दोनों के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, करेक्ट है? जब यूनियन निकालना था तो इंटरसेक्शन माइनस किया, जब इंटरसेक्शन निकालना है तो यूनियन माइनस किया, याद रखिए बातें। यस सर। मतलब A यूनियन B में कोई सा भी आ सकता है? हाँ, तीनों चीजें इसमें आएंगी, ओनली ए भी आ सकता है, ओनली बी भी आ सकता है और ए एंड बी दोनों ये भी आ सकते हैं, तीनों चीजें। ओके सर। अगर बोले आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या होता है, इसे ना जनरली हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के नाम से पुकारते हैं। जैसे ये ए है, ये क्या है? ए। ए। ये बाहर का हिस्सा क्या होगा? नॉट ए, वो ए है तो ये नॉट ए। उस नॉट ए को लिखने का तरीका कि वन, पूरे की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वन। उस वन में से इस ए की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो, तो ये समझ लो तूने नॉट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली, करेक्ट है? यस सर। अगर बोले ओनली ए, या बोले ए बट नॉट बी, मेरे दोस्त यहां पर बात हो रही है इस चीज की, एक बार वन कैसा है पूरा सैंपल स्पेस है ना,
जैसे मैं तेरे से बोलूं इस पूरे सैंपल स्पेस में 9 एलिमेंट थे, यस सर, मैं बोलूं कि किसी एक नंबर के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ऑब्वियसली तुम अंदर हार्ड डालो कोई एक चीज तो सेलेक्ट होगी, तो 9 by 9 वन आएगा कि नहीं आएगा, यस सर, तो पूरे के अंदर तो 9 एलिमेंट है तो प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी, तो यूनिवर्सल की प्रोबेबिलिटी 1 रहती मेरे दोस्त। मैंने बोला ए बट नॉट बी, क्या यही हिस्सा बेटा? यस सर। अब इसको याद रखा, ये आपने क्लास 11th में आप लोगों ने देखा था कि इस चीज को हम बोला करते थे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? अच्छा, जिसे मैं कॉम्प्लीमेंट लिख रहा हूं उसे डैश भी लिखते हैं भाई, ऐसे मेरी कॉम्प्लीमेंट लिखने की आदत है, थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी रहती है, ठीक है दोस्त? यस सर। और इसी चीज को ए माइनस बी भी कहते हैं भाई। देख ये रिप्रेजेंटेशन तुझे याद रखना है, 2015 में बोर्ड के पेपर में ये चीज दे रखा था क्वेश्चन में, समझ रहा है? तो इसका मतलब पता होना चाहिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको फाइंड करने का एक तरीका क्या हो गया, क्यों ना मैं इस ए की प्रोबेबिलिटी में से किसको माइनस करूं, इस ए की प्रोबेबिलिटी में से किसको माइनस करूं भाई, क्या बोलता है? बहुत मारूंगा बहुत, इस ए में से इस वाले हिस्से को हटा दे मेरे दोस्त, क्या बचेगा? ए इंटरसेक्शन बी, ए में से ए और बी के इंटरसेक्शन को माइनस कर दो। सर पी नॉट ई माने जीरो, राइट? जीरो क्यों बोल रहा है भाई, कैसी बात कर रहा है, कैसी बात कर रहा है? एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है, 4 को इंग्लिश अच्छी नहीं लगती है। इंग्लिश पसंद करने वाले लोगों के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 6 by 10, तो मैं बोलूं इंग्लिश ना पसंद करने वाले लोगों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बोलेगा 4 by 10। तो 6 by 10 को तू अगर 1 में से माइनस कर लेता, वो 1 में से माइनस करके भी तो 4 by 10 निकल सकता था ना, ये तो क्लास 10th की चीज़ है दोस्त, ये बड़ी बेसिक सी बात है यार। और ये पात्रा तू ये सवाल पूछ रहा है, मैं अचंभित हूँ, है ऐसे कैसे? अगर आपसे बोले ओनली बी निकालो, तो ओनली बी को हम बोल सकते हैं बी बट नॉट ए, बी बट नॉट ए के जरिए भी बेटा इसको पुकारा जाता है, कहा जाता है, और इसको आप बी माइनस ए भी लिखते हैं, इसे आप बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट भी लिखते हैं। वेन डायग्राम में आप इसको देख सकते हैं, ये ए ये बी, वो हिस्सा जो बी के पास है बट वो ए के पास नहीं है, तो बच्चे पूरे बी में से क्या बोलते हो, किसको माइनस करते हैं मेरे दोस्त? इंटरसेक्शन ए और बी के इंटरसेक्शन को माइनस करो तो काम बन जाएगा। अच्छा एक तरीका और देख जरा, अगर मैं तेरे से बोलूं मेरा भाई इस पूरे यूनियन में से क्यों ना मैं बी को माइनस कर दूं, क्या बोलता है, सही रहेगा? यस सर। पूरा यूनियन और उस पूरे यूनियन में से इस बी को काट दो, तो भाई तो भी वही चीज बचेगी। और वहां देख पूरे यूनियन में से आप इस ए को हटा दो, आप ए को हटा दो तो भी वही आएगा, चले गए? सर ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट ए है ना? नॉट ए, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? नॉट ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है दोस्त? जब मॉडरेट करना नहीं आता तो क्यों मॉडरेटर बना? अरे त्यागी क्या हो गया भाई, किसको डिलीट कर रहा है? वसुंधरा सर एक क्वेश्चन बता दो कि कब टेकिंग लॉग बोथ साइड यूज करना है और कब यू रेस टू पावर वी वाला फॉर्मूला, मंडे को मेरा पेपर है। कब लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड करना है यार, ये थोड़ा ये बच्चा ना पिछले उसमें भी स्पैम कर रहा था बहुत ज़्यादा, एक मिनट के लिए बता दो करते किसको यार, यार ये तो फिर टॉपिक से भटका रहा बंदा पूरा यार, बस एक मिनट के अंदर बता देता हूँ, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन क्या है इसका, कब यू रेस टू पावर वी कब यू वी लेट करना है और कब लॉग, देख मेरे दोस्त देख, जैसे x की पावर x है, इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो
तो इसका डेरिवेटिव सीधे तो हो नहीं सकता, लॉग की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको यू नाम दे दे, इसको यू नाम दे दे। तो यहाँ तुझे अब क्या लगाना पड़ेगा, लॉग लगाना पड़ेगा। जब भी पावर में वेरिएबल होगा तब तू लॉग लगाएगा, बेस में वेरिएबल, पावर में वेरिएबल, तो तू लॉग लगाएगा, अभी लॉग लगा कर होगा। बट अगर मान ले क्वेश्चन तेरे पास ये होता एक्स की पावर एक्स प्लस टू की पावर साइन एक्स, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अब दिक्कत क्या है, बीच में प्लस का साइन आ गया, तूने अगर अभी लॉग लगाया तो वो लॉग तेरा अंदर नहीं जा पाएगा। लॉग अंदर क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि लॉग एक्स प्लस वाई का भाई कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉग एक्स प्लस वाई का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो ये लॉग अंदर नहीं जा पाएगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको यू मानो, इसको वी मानो। जब भी बीच में ये प्लस और माइनस आपको देखने को मिलेगा तब आप लॉग लगाओगे मेरे दोस्त, तो तब आप यू और वी लेट करोगे, और इस यू को अलग से और उस वी को बेटा आप अलग से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके दोनों को बाद में प्लस कर देंगे। तो ये चीजें मेरे भाई, ये तो बड़ा बेसिक सी चीज है यार, अगर तूने चैप्टर पढ़ रखा है तो इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके गाइस, यहां तक किसी को दिक्कत हुई है, यहां तक किसी को दिक्कत हुई है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। यहां तक सर, फर्स्ट फार्मूला सर एक बार करना, फर्स्ट स्लाइड ये रहा बेटा, देखो सर, इसमें आपने p a इंटरसेक्शन b को क्यों माइनस करा जब उसे हम ले रहे हैं वेन डायग्राम में। बाबू बात को समझ, ये पहली चीज तो देख, रविंद्र ग्यारहवीं क्लास की चीज है, वहां तूने इसको पढ़ा हुआ है। दूसरी चीज देख, जब तू इस ए में पूरे बी को प्लस कर देगा तो क्या ये चीज दो बार प्लस नहीं हो जाएगी? हाँ हाँ यस सर। तो इसलिए एक बार हटा दिया हमने उसको। अच्छा ओके सर, सर ग्यारहवीं में पढ़ा नहीं, कोई दिक्कत होगी बेटा, मैं बता रहा हूँ, छोटे भाई बहनों को पहले स्टार्टिंग से बता देना कहाँ पढ़ना है, ठीक है, सुन रहा है? हाँ ओके, मतलब हमारे पास ही पढ़ना है, ठीक है ना, पता चल रहा है कि बोल रहे हैं कि नहीं नहीं भाई तुम मत पढ़ना है, सुन रहा है हीरो? ओके चले, तेरा भरोसा नहीं है, कहीं तो दूसरे नहीं पाल ले क्या, मेरा माइक ऑन नहीं करते थे, हैं तो बंदा भी सही नहीं है वैसे। चलो भाई चलिए, ओके बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। ओके कार्तिक भाई, कार्तिक फिर आता है Neither A nor B. कभी कभी बीच में एंड भी लिखा होगा, ठीक है, कभी कभी नहीं लिखा होगा। Neither A nor B को तू अगर वेन डायग्राम के थ्रू समझे तो ये वो हिस्सा हुआ करता है जो ना तो सेट A के अंदर आता है और ना ही बच्चे ये सेट B के अंदर है, दोनों में से किसी के भी अंदर नहीं आया करता। सही बात है, मुझे बाहर का हिस्सा चाहिए। क्लास इलेवेंथ में मेरे दोस्त इस चीज को पता क्या बोलते थे, इसको बोला करते थे क्लास इलेवेंथ में कि ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ये ए यूनियन बी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ये ऐसे बोला करते थे इसको, ठीक है, और मुझे इसकी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इससे हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोला करते थे। और ये जो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, इसी को ही एक डी मॉर्गन लॉ हुआ करता था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट अगर अंदर जाता है ए के ऊपर और बी के ऊपर तो जो यूनियन का साइन है वो क्या बन जाता है, वो इंटरसेक्शन बन जाता है। जो यूनियन है वो क्या बन जाता है, वो इंटरसेक्शन बन जाता है, मतलब ये वैल्यू और वो वैल्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे। अब देख मेरे दोस्त, मैं इसमें तेरे को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता हूं, ये सोच नाइदर ए, ए नहीं चाहिए, एंड एंड लिखा नहीं है बट है, ठीक है, एंड एंड बोले तो इंटरसेक्शन बी नहीं चाहिए, क्या यही फाइंड करना है, नाइदर ए नॉर बी, ये बाहर का हिस्सा है मेरे बच्चे, ये बाहर का हिस्सा, नाइदर ए नॉर बी। तो सिंपल सा इसका एक तरीका है भाई, पूरे की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पूरे की प्रोबेबिलिटी वन, उसमें से माइनस कर दे इसको, ये क्या है, ए यूनियन बी, याद रहेगी बातें, यस बस इतनी सी चीज है। मन में किसी के कुछ है पूछो, निमिता माइक ऑन कर, सर किस चीज में दिक्कत है, सर ये वाला समझ नहीं आया, और ओनली ए वाला, ओनली ए वाला कौन सा, ये कह रही है, हाँ ओनली ए का मतलब क्या है, ए हो बट बी ना हो, क्या वेन डायग्राम में ये वाला हिस्सा सही है? यस सर। तो
इसकी जो प्रोबेबिलिटी है पूरे ए की प्रोबेबिलिटी में से इस इंटरसेक्शन को माइनस कर देगी तो क्या बचेगा? ये नहीं बचेगा? Yes, sir. तो वही तो लिखा है, ए में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दे। ऐसी ओनली बी, ओनली बी में क्या है वो हिस्सा बाबू देख, निमिता देख, मैं 11वीं क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा बाबू, समझ पा रही बात को? आपको समझने के लिए जितनी जो काम की चीजें होनी चाहिए वो मैं करूंगा, मैं 11वीं पढ़ाई में बचाऊंगा, और तो बड़ी 5-6 दिन जो हम टारगेट कर रहे हैं वो 8-10 दिन में चले जाएगा बेटा, समझ पा रही हो? ये आप, ये मैंने आपसे कहा था कि इसी चीज को, ये जो है देखो ए बट नॉट बी, समझना बात को, शब्दों को जरा देखो एक बार ध्यान से, ठीक है? ए चाहिए, ओके, नॉट बी, बी नहीं चाहिए, तो देख बेटा मैंने बी के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया, ठीक है? अब तो बोलेगे नहीं भैया इसके आप और सारे एग्जांपल भी दो, बेटा वो मैं नहीं दूंगा, प्लीज यार इसके लिए मेरे को मजबूर मत करियो बाबू, ठीक है? अब नहीं आता तभी तो पूछ रही है। अब तो एक चीज और समझ, अब इसी चीज को हम ए माइनस बी के जरिए भी रिप्रेजेंट करेंगे, ये बात तेरे को याद रखनी है, रिप्रेजेंटेशन ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ठीक है बहन? क्या समझा दो, ए माइनस बी यार, हे भगवान, फिर यार खेल खराब कर देगी लड़की सारा। फिर देख बहन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जैसे लिख दिया मैंने सेट, ठीक है? और एक सेट है ए, 1, 2, 3, 4, बी है 3, 4, 5, 6, इस टाइप से कुछ इतना, ठीक है? मैं अगर तुझसे बोलूं a माइनस बी बता, तो अब तुझे यहाँ पे a माइनस बी का मतलब समझना पड़ेगा कि a का वो पार्ट जो b में, जो b में आता है उसको हटा दो, a में से उसको हटा दो जो b में आता है। तो आप देख रहे हो 3, 4 दोनों में कॉमन है, ये 3, 4 b के पास भी है, सही बात है? अच्छा आपने समझ लिया, अब देख, अब देख रही हो तो टाइम लगाओ, पूरा ढंग से पढ़ो, फिर पढ़ रहे हो तो, है ना? भैया टाइम तो लग ही रहा भैया, है ना? 1 और 2 यहाँ पर बचेगा, क्या ये ठीक है? ए में से उसको हटा दिया जो B के पास है, ठीक है? तो ये A माइनस बी हो गया। अब देख बड़ा ये निकल गया, अब मैं तेरे से बोलूं A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट निकाल, तो A क्या है? A, A है 1, 2, 3, 4, सही बात है? B का कॉम्प्लीमेंट, B के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? B के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल में से B को हटा दो, यूनिवर्सल में से अगर मैं बी को हटा दूंगा तो 3, 4, 5, 6 को हटा दे, क्या बचेगा? 1, 2, 7, 8, 1, 2, 7, 8, सही बात है? अब इसमें और उसमें ध्यान से देख कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 1 और 2, सही बात है? वो और ये दोनों देख ले एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। अब देख इसका डायग्राम भी समझ, ए और बी, वो पार्ट जो ए में है बट वो बी में नहीं है, कैसे? ए के पास क्या था? 1 था, 2 था, 3 और 4 तो बी के पास था, इसके बाद 5 और 6 था, तो मुझे वो हिस्सा चाहिए जो ए के पास है बट बी के पास नहीं है। तो देख सकते हो ए माइनस बी जो है वो 1, 2 है, और ये वाला पार्ट है बेटा 1, 2, देख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी 1, 2 है, तो वो भी बेटा यही पार्ट है। तो मैं इस वाले हिस्से को ए माइनस बी भी बोला करूंगा और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी बोला करूंगा। निमिता बहन ठीक है कि नहीं है? Yes, sir, अब देख घूम फिर के देख अल्टीमेटली बात क्या है। मैं कह रहा हूं फिर से शब्दों पे ध्यान दे मेरी बहन, शब्दों पे। ए चाहिए तो ए लिखा, बी नहीं चाहिए तो बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिए, कहां दिक्कत है बेटा? सिंपल है और हम ये कह रहे कि इसी चीज को बेटा आप ए माइनस बी भी याद रखेंगे। मैं बता रहा हूं ये अलग से तेरे को याद रखना पड़ेगा, समझ पा रही है? बोलने वरना बोलेंगे तो चोची मैंने अभी एग्जांपल दिया तो उसको भूल ही जाएगी तुरंत ही, अभी तुरंत कुछ देर के लिए समझ में आया, ठीक है? बट याद रखने के लिए भैया थोड़ा अलग से बैठना पड़ेगा जैसे फॉर्मूला याद करते हो। तो अब इस वाले पार्ट में बता कहां दिक्कत है, हमें चाहिए नाइदर ए नॉर बी, तो ए नहीं चाहिए तो ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, बी नहीं चाहिए तो बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? बीच में कुछ नहीं है तो एंड बोलते हैं और एंड के लिए हम इंटरसेक्शन लगाते हैं, ये बात ठीक है? और वेन डायग्राम के थ्रू भी बेटा मैं समझ पा रहा हूं कि जो पार्ट है जो ए और बी दोनों में नहीं आता तो वो यही वाला पार्ट है, yes, सही बात है? अब देख बेटा पूरे की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 और उसमें से माइनस कर दे इस वाले पार्ट को, क्या यूनियन को, तो वही तो बचेगा, कहां दिक्कत आई?
यस सर हो गया। या अल्लाह सब ठीक है बच्चा? सर आ गया। कोई बच्चे कम तो नहीं हुए ना भाई? ओके ठीक है यार। हो गए भैया, चार अरे बच्चे चार चले गए। चार चार चले गए। अरे यार नहीं, 11वीं नहीं चल रही बेटा, 12वीं चल रही है। 12वीं चल रही है, 12वीं चल रही है बच्चों। नाइदर ए नॉर बी। अब ये हुआ, बस थोड़ा सा यार वो थोड़ा सा बेसिक याद दिलाना चाह रहा हूँ, और गलती से पूरे में चले जा रहा हूँ बेटा। है ओके, देखेगा बेटा। एक आखिरी चीज तुमसे और पूछेगा, नॉट ए और नॉट बी बच्चों। Neither A and nor B था, वहां एंड था बच्चों। और निमिता कुछ नहीं हो तो भी एंड ही होता है, ठीक है? यहां स्पेसिफिकली बोला हुआ है और यूनियन। हाँ, तो A not A यानी A का कॉम्प्लीमेंट, B का कॉम्प्लीमेंट और है, तो यहां पे यूनियन आ जाएगा। ये बात ठीक है बच्चों? यस सर। अब देखो, ज्यादा परेशान नहीं होना है कार्तिक भाई, मुझे मालूम इस बार तू परेशान होगा। जब Not A intersection not B चाहिए था तो वन में से क्या माइनस किया? A union B। वहां intersection था तो union को माइनस किया। यहां याद रख लो बेटा, यहां union है तो क्या माइनस करोगे? intersection। अब इसका डायग्राम भी अगर याद रखना हो तो फॉर्मूले से ही तुम डायग्राम भी याद रख सकते हो। ये A है और ये B है, पूरे वन में से सिर्फ किसको हटाना है? सिर्फ इंटरसेक्शन, इसको हटा दो, बाकी जो भी बच गया बेटा। अबे समझ पा रहे बात को? दिक्कत तो पिछले वाले में भी आई थी, पर पूछ लिया डाउट। नहीं तो निमिता बहन एकदम ही एकदम बेसिक पे पहुंच जाती ना, हम थोड़े बहुत पे जाते हैं, बहन एकदम ही गहराई पे चले जाती है। ए भी नहीं चाहिए और बी भी नहीं चाहिए, या तो ए नहीं चाहिए या बी नहीं चाहिए उसका यूनियन, या तो ए नहीं चाहिए या बी नहीं चाहिए उसका क्या चाहिए? यूनियन। अब देख ये बंदा परेशान होगा और परेशान ही रहेगा, तो तू समझ बेटा, परेशान नहीं रहना, ठीक है दोस्त? जीवन में बहुत समस्याएं हैं, है ना? लो भाई, हमें जो पार्ट चाहिए मैं उसको शेड कर रहा हूं, ये बात ठीक है? एक तो मुझे चाहिए नॉट ए, एक तो मुझे चाहिए नॉट ए। देख भाई ये तो ये ए है, तो नॉट ए कहां होगा? यूनिवर्सल वाला और बी, क्या ये नॉट ए है कि नहीं है ये बता जरा। यस सर। दूसरा मुझे क्या चाहिए? नॉट बी। अब नॉट बी, नॉट बी, बी के बाहर क्या है? नॉट बी। अब वो ए वाला भी शेड हो जाएगा। सही बात है। और जो भी शेड वन दोनों को मिला लो बेटा, यूनियन है क्योंकि, तो एक चीज ऐसी जो शेड नहीं हुई वो है बीच वाला पार्ट, इंटरसेक्शन। तो सही बात है, तो मैंने उस इंटरसेक्शन को ही वन में से हटा दिया मेरे दोस्त। डन है? ओके सर। अबे कमेंट, अबे तुम कमेंट सेक्शन में लड़ने पे लगे हुए हो? अबे लड़ो मत नालायको। सर यूपी बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं बेटा, बिल्कुल देख सकते हैं, तुम्हारा सीबीएसई का ही सिलेबस है एकदम इस चैप्टर में। तो भाई यहां तक डन है, क्लियर है सारा? बड़े आगे बढ़े। यस यस सर। अब देख पुरवाल भाई, पुरवाल कह रहे हैं यार, मेरे भाई कार्तिक, अब ना हमें यहां पे चीज सीखनी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्लास 12th का कॉन्सेप्ट अब चालू हो रहा है बेटा, ठीक है दोस्त? यस सर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी पहले वाली ही प्रोबेबिलिटी है, बस ये समझ ले पहले वाली जो प्रोबेबिलिटी थी उसमें तुम्हें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देकर ना अब सैंपल स्पेस को बदल दिया जाता है। कैसे जरा देखिएगा। जनरली क्या होता था, हमसे पूछा जाता था क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है? यस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा जाता था, तो हम क्या बोलते थे कि ये देखो ए में कितने एलिमेंट हैं, सही बात है? फिर ये देखो पूरे यूनिवर्सल में कितने एलिमेंट हैं, यही तो तरीका था? ये देखो ए में कितने एलिमेंट है, फिर ये देखो यूनिवर्सल में कितने एलिमेंट हैं।
अब बेटा क्या होगा मेरे दोस्त, अब क्या होगा, आपसे कहेगा ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी निकालो, ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी। अब हमसे यहां पे बोला जाएगा ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी का मतलब कई बार बच्चे ये मतलब समझ लेते हैं कि लो भाई ए की प्रोबेबिलिटी को डिवाइड कर दो किससे, बी की प्रोबेबिलिटी से। तो ऐसे नहीं करना भाई, इस ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी का मतलब है यहां पे तो इसका मीनिंग याद रखना है, यहां पे दो इवेंट है कार्तिक, एक इवेंट न्यूमरेटर में है, एक इवेंट डिनोमिनेटर में है। जो इवेंट न्यूमरेटर में है उसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें बतानी है, तुम्हें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ये तुम लोगों को बताना है। कब कब बताना है, व्हेन व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। हमें क्या बताना बच्चे, ए की प्रोबेबिलिटी को बताना है, लेकिन कब बच्चे, जब इवेंट बी ऑलरेडी हो चुकी हो, या फिर आप इसको ऐसे समझो कि हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन एन एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन, व्हेन इवेंट बी इज गिवन। ये बात ठीक है दोस्त, ये जनरली ए बाई बी का मीनिंग है। अब ये जो मीनिंग है भैया, इसको सरल शब्दों में अगर मैं बोलूं तेरे को कि ए बाई बी का मतलब क्या है, सभी तरह ध्यान से समझिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंसीडरिंग इवेंट बी एज ए सैंपल स्पेस। किसकी प्रायोरिटी बतानी बेटा, इवेंट ए की प्रायोरिटी, लेकिन इस बार सैंपल स्पेस हमने किसको मानना है, बी, इवेंट बी को, इवेंट बी को बेटा हम लोगों ने सैंपल यूनिवर्सल मान लेना है, इवेंट बी को हम लोगों ने यूनिवर्सल मान लेना है। अब ये कैसे, इसको एक उदाहरण के जरिए समझ, मैं तुझसे बोलूं अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, परिवार में कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, परिवार में दो बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा होगा फिर छोटा बच्चा होगा, एक एल्डर चाइल्ड फिर यंगर चाइल्ड, ऐसे ही होता है। yes. भाई अगर मैं बोलूं इसका सैंपल स्पेस बनाओ, सैंपल स्पेस वो क्या बनेगा, तो तुम बोलोगे सर सैंपल स्पेस अगर बनाना है तो क्या पता बड़ा वाला बच्चा बॉय, छोटा वाला बच्चा भी बॉय, ऐसा हो सकता है। yes. बड़ा वाला बच्चा बॉय और छोटा वाला बच्चा गर्ल, क्या पता बड़ा बच्चा गर्ल और छोटा बच्चा गर्ल, या फिर बड़ा बच्चा गर्ल और छोटा बच्चा बॉय, क्या ये ठीक है, क्या ये चार ही पॉसिबिलिटी है परिवार में। अब मैं तुझसे पूछूं बच्चे, क्वेश्चन सुनियो, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टू बॉयज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू बॉयज, परिवार में दो बच्चे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो क्या मैं कह दूं कि टू बॉयज की प्रोबेबिलिटी अगर तुझे चाहिए तो तू ये देखिए, टोटल पॉसिबिलिटी चार है, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, चार, और उसमें फेवरेबल तेरे लिए सिर्फ एक यही है, आंसर वन बाय फोर बोल देगा। yes, ये तो बड़ा सिंपल है, क्लास टेंथ का क्वेश्चन हो गया। yes. लेकिन मैं इसी में ही बेटा क्वेश्चन को बदल दूं, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टू बॉयज इफ, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देगा, if it is given that there is at least one boy in the family, यदि परिवार में एक कम से कम एक लड़का तो जरूर है। अब बताओ परिवार में दो बच्चे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, 1/3,
तो अब समझना, अब यहां पर समझना बात को। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू बॉयज, तो भाई यहां पे तुम लोगों को एक काम करना है, सुनना ध्यान से पहले ध्यान से बच्चों। यहां पे कार्तिक भाई दो इवेंट बना, एक इवेंट बना ए और एक इवेंट बना बी। वो इवेंट ए और बी जो बनाएगा वो इसको ध्यान में रखकर बना, जो ओरिजिनल जो एक्सपेरिमेंट था ना उस सैंपल स्पेस को ध्यान में रखकर बना बेटा, ये ठीक है? Yes, sir. जो चीज फाइंड करनी है उसको ए बोल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू बॉयज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू बॉयज। तो बच्चे तू क्या बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टू बॉयज जो है तो उसके अंदर टू बॉयज में तो एक ही एलिमेंट आता है बस, क्या क्या? Yes, sir. बी बी। अब तुझे गिवन क्या है, गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट वन बॉय इन द फैमिली, एट लीस्ट वन बॉय इन फैमिली। अब बता एट लीस्ट वन बॉय इन फैमिली जो है बेटा तो उसमें क्या है बेटा, एक तो ये बीबी आ जाएगा, एक बीजी आ जाएगा और एक जीबी आ जाएगा। इस बात को मानते हैं? Yes, sir. अब मैंने क्या बोला था कि दोस्त ए बाय बी, ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है कब, जब इवेंट बी गिवन हो, जब इवेंट बी हो चुकी हो, जब इवेंट बी को हम सैंपल स्पेस मानते हो। तो मेरे भाई इस सिचुएशन में तुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू बॉयज व्हेन देयर इज एट लीस्ट वन बॉय इन फैमिली। तो बता मेरे दोस्त इस बी के अंदर कितने एलिमेंट है? थ्री। और उन तीन में टू बॉयज की कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? बी बी सेटिस्फाई कर रहा है, एक सेटिस्फाई कर रहा है, तो तेरा आंसर क्या हो गया? वन बाय थ्री हो गया। जरा दोस्त खुद सोच, मैं तेरे से पूछा ऑब्जेक्ट, ये तो हमने यहां पे निकाला, अब जरा खुद जरा कॉमन सेंस की बातें करते हैं, ठीक है? हमने बोला परिवार में दो बच्चे हैं, तो कार्तिक दिमाग में क्या ये चार ही में जाती हैं? बीबी बीजी जीजी जीबी। अगर मैं तुझसे बोल दूं कि परिवार में तो कम से कम एक लड़का है भाई, तो बता क्या तेरे दिमाग में जीजी आएगा? नहीं। बोलो बच्चों, मैं जैसे ही तुमको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि परिवार में तो कम से कम एक लड़का है, तो क्या तुम्हारे दिमाग में ये जीजी आएगा? नो सर। नो सर, अब जीजी नहीं आएगा, तब तुम्हारे माइंड में बीबी बीजी और एक वो जीबी, ये तीन चीजें बेटा तुम्हारे दिमाग में उस टाइम पे चल रही होंगी। इस बात को मानते हो? तो होता क्या है, अब तक क्लास 10th तक क्या होता था, आपको एक एक्सपेरिमेंट देता था कि हमने एक डाइस को थ्रो किया तो तुम समझ जाते थे 6 आउटकम, तुम बोलते थे एक कॉइन को दो बार थ्रो किया तो तुम समझ जाते थे 4 आउटकम, हम बोलते थे कि एक कार्ड को ड्रॉ किया तो तुम समझ जाते थे कि टोटल 52 आउटकम्स, तो तुम्हारे माइंड में एक सैंपल स्पेस बन जाया करता था। लेकिन अब बेटा एक्सपेरिमेंट देगा, अभी भी बोलेगा कि डाइस को थ्रो किया, कॉइन को थ्रो किया, ये चीज अभी भी होगी, बट अब उसके साथ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आ जाएगी। जैसे मैं तुमको बोल देता हूं कि हमने एक डाइस को थ्रो किया है और मैं तुमको ये बता देता हूं कि उस डाइस पे एक इवन नंबर आया है, तो बताओ क्या तुम्हारे दिमाग में अब 135 आएगा? नो सर। मैं बोल देता हूं कि हमने एक कॉइन को थ्रो किया और उस पे हेड नहीं आया, तो बताओ क्या आया होगा? टेल। समझ पा रहे हो? तो जनरली अगर मैं बोलता हूं कॉइन को थ्रो करो तो तुम बोलोगे सर हेड टेल, लेकिन जैसे ही मैंने तुमको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी तो वो जो सैंपल स्पेस है ना बेटा उसका साइज सिकुड़ जाता है, वो श्रिंक हो जाता है। जो सैंपल स्पेस पहले इतना बड़ा था वो सैंपल स्पेस बेटा अब इतना सा छोटा सा रह जाता है। ये चीज है बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये चीज है बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या भेजे में बात सेट हो पा रही है बच्चों? Yes, अगर मैं बोलूं कि सर क्या इस a बाई बी की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का कोई फॉर्मूला है, तो भाई फॉर्मूला है, समझना क्या फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला बड़ा आसान सा, वो याद कर लेंगे आप लोग, काम बन जाएगा, बस एक मिनट बस लॉजिक समझ लो, अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया, वरना सीधा चुपचाप से फॉर्मूला याद कर लेना। ये सैंपल स्पेस है कार्तिक, सोच ये सेट ए और ये सेट बी, ये ठीक है? Yes, sir. क्या इस ए के अंदर बी आता है? Yes, sir. थोड़े से में आता है। क्या उस बी के अंदर ए आता है? Yes, sir.
से हिस्से में, उस थोड़े से हिस्से में आता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो तुम क्या बोलते हो कि सर इस पूरे ए को डिवाइड करो इस पूरे यूनिवर्सल से, करेक्ट है? यस। लेकिन मैं अगर तुमसे पूछूं, बच्चों सुनना, अगर मैं बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो तुम बोलोगे कि ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं डिवाइडेड बाय पूरे यूनिवर्सल के अंदर कितने एलिमेंट हैं, क्योंकि तुम पूरे यूनिवर्सल को ही तो यूनिवर्सल मान रहे हो, पूरे रेक्टेंगल को। लेकिन जैसे ही मैं तुझसे पूछता हूं कार्तिक ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी बता, तो मेरे दोस्त ए बाई बी में तुझे किस चीज की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है या बी की प्रोबेबिलिटी बतानी है? ए की। तुझे ऊपर वाली चीज की प्रोबेबिलिटी बतानी है। लेकिन कब? जब बी हो चुका हो। यानी कि जो एलिमेंट अब सेलेक्ट हुआ है तो वो कंफर्म कहां से सेलेक्ट हुआ है? बी से सेलेक्ट हुआ है। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि मैंने अब बी को सैंपल स्पेस मानना है? यस सर। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि यहां से कोई एलिमेंट सेलेक्ट नहीं होगा, यहां से कोई एलिमेंट सेलेक्ट नहीं होगा? जो एलिमेंट सेलेक्ट होगा वो कहां से सेलेक्ट होगा? अब इस बी के अंदर से सेलेक्ट होगा। क्या ये बात ठीक है? यस सर। बट मुझे तो प्रोबेबिलिटी ए की निकालनी थी, तो बता मेरे दोस्त क्या इस बी के अंदर ए आता है? यस सर आता है। कहां आता है? आप बोलेंगे सर बी के अंदर ए इस छोटे से हिस्से में आता है, इस थोड़े से हिस्से में आता है, इस थोड़े से पोर्शन को आप क्या बोलते हो बाबू? ए इंटरसेक्शन। ए यूनियन कौन बोला नालायक? ए इंटरसेक्शन बी विच इज डिवाइडेड बाय यूनिवर्सल। नया यूनिवर्सल क्या है बेटा? अब नया यूनिवर्सल क्या है? बी। तो मेरे भाई ये तुम्हारा ए बाई बी निकालने का एक फॉर्मूला बनकर तैयार है भाई, इसको चुपचाप से अब याद रख लेना, काम बन जाएगा भाई। बढ़ू आगे? यस सर। निमिता बहन समझ पाई? मुझे डर लग रहा है। समझ गई? हाँ सर। हाँ हाँ बेटा बोल, क्या हो गया? नॉट ए वाला नहीं आया मुझे। कौन नॉट ए वाला नहीं आया? कौन है नॉट ए वाला? कहाँ है नॉट ए वाला? कौन है नॉट ए? तो पीछे कराया था। इसकी बात कर रही है? नहीं नहीं नहीं। कौन है नॉट ए? कौन है नॉट ए? ये, अरे फॉर्म में याद रख ले यार निमिता, चुपचाप से चल। चलो बच्चों आ जाओ भाई लोग, देखिएगा क्वेश्चन सुनना। कहता है ए की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, सुनना ध्यान से भाई, ए की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, बी की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। तुमसे बोल दे कि फाइंड करो ए बाई बी, फाइंड करो बी बाई ए। बच्चों समझना, बताओ ए बाई बी निकालना है, फॉर्मूला क्या बोले? ए बाई बी निकालना है तो डिनोमिनेटर में बी आएगा, क्योंकि बी नया सैंपल स्पेस है, न्यूमरेटर में इंटरसेक्शन आएगा भाई। b सैंपल स्पेस है तो डिनोमिनेटर में b आएगा, न्यूमरेटर में इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। इंटरसेक्शन क्या है मेरे दोस्त? 0.2 और b कितना बेटा? 0.5। आंसर 2/5 हो जाएगा, 2.5 आप कह सकते हैं। b बाय a निकालना, इस बार a नीचे है, a हो चुका है तब b की प्रोबेबिलिटी, a सैंपल स्पेस है तब b की प्रोबेबिलिटी, तो a नीचे आ जाएगा न्यूमरेटर में b और a का इंटरसेक्शन। अब b और a का इंटरसेक्शन बोलो या a और b का इंटरसेक्शन बोलो, बात एक ही होती है बच्चों। तो मैं a इंटरसेक्शन b लिख देता हूं, और इंटरसेक्शन 0.2 है, a की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, और आपका आंसर 1/2 आ जाएगा। क्या ये करेक्ट है मेरे भाई? यस सर। बच्चों मैं कहता हूं a दे रखा है 0.4, b दे रखा है 0.5, और ए और बी का यूनियन दे रखा बच्चों यूनियन 0.7, ठीक है, ये 0.6 दे दिया, लेट्स से 0.6। आपसे बोल देता है फाइंड करो, समझना बात को, फाइंड करो ए बाय बी, फाइंड करो नॉट ए बाय बी, फाइंड करो ए अपॉन में नॉट बी, फाइंड करो नॉट ए बाय नॉट बी। भाई इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी फिर, ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। बच्चे ए दे रखा है, बी दे रखा है, यूनियन दे रखा है, क्या इंटरसेक्शन दिया है?
नहीं सर, इंटरसेक्शन निकालने का फॉर्मूला बेटा क्लास 11th का फॉर्मूला, ए प्लस बी जिसे हमने आज सीखा, माइनस पे पी ए यूनियन बी, 0.4, 0.5, 0.6, 5, 4, 9, 6, क्या 0.3? निमिता बहन ये ठीक है कि नहीं है बाबू? ये बाबू सही है, समझ में आ रहा है? क्या बात, कैसे आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में बी, इंटरसेक्शन कितना 0.3, बी 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 0.5, 3/5 सही है बच्चों। सेकंड पार्ट में क्या बोला, क्या निकालो? नॉट ए बाई बी, नॉट ए बाई बी, कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि इसको नॉट ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाएगा, अपॉन में बी लिखा जाएगा? यस सर, कोई ऐसा जो ना समझ रहा हो? बी चाहिए पर ए नहीं चाहिए, क्या यही मतलब है इसका? यस सर, यस सर, बी इंटरसेक्शन नॉट है ना, तो बी में से इंटरसेक्शन माइनस कर लो, सही बात है? यस सर, बी चाहिए बट ए नहीं चाहिए, और डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हैं, ये ए ये बी, बी वाला पार्ट चाहिए बट ए वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो ऊपर क्या आ जाएगा कह दूं, पूरे बी की प्रोबेबिलिटी में से इंटरसेक्शन को माइनस करना पड़ेगा, और अपॉन में आपके बी की प्रोबेबिलिटी आएगी, क्या ये करेक्ट है बच्चों? यस सर, निमिता ठीक है? निमिता ये ठीक है कि नहीं है, जल्दी बता दो। नॉट ए इंटरसेक्शन बी, बहन जब नीचे पहुंच जाऊंगा तब तो ऊपर की चीज पूछेगी, अभी अभी बोल देना, बोल भाई क्या दिक्कत है, बोल, हाँ बोल ना, क्या डाउट है बोलो ना। अगर अगर नॉट ए बोला है तो उसमें बी के साथ पूरा यूनिवर्सल सेट नहीं होगा? ए ए नहीं, पूरे बी के साथ यूनिवर्सल सेट मतलब सिर्फ सिर्फ ए के साथ नॉट है, बी के ऊपर नहीं है, सिर्फ ए के ऊपर है नॉट? नहीं मतलब अगर ए नॉट है मतलब बी के साथ पूरे यूनिवर्सल सेट की बात नहीं कर रहे सिवाय एक। ये क्या बोलना चाह रहे भाई, समझ पा रहे? यूनिवर्सल में से ए नहीं चाहिए ना हमें, वो वन माइनस ही कह रहा है। अच्छा उगल भाई सिंपल सोचते हैं, एकदम सिंपल सोचते हैं, एकदम सिंपल, ठीक है ना, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं, ठीक है, ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, ठीक है, हमें नॉट ए बाई बी फाइंड करना है, ये ठीक है। फॉर्मूला क्या है कि हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर रखना है, सही बात है, अपॉन में बी की प्रोबेबिलिटी लिखनी, क्या इतना ठीक है कि नहीं मेरे दोस्त? यस सर, इतना ठीक है। बाकी जो तू बोला मैं उस पर भी आता हूं अभी। इसका मतलब क्या है कि बी वाला पार्ट हो बट ए वाला पार्ट ना हो, अभी उस बी को छोड़ दे दू, है ना, फिलहाल ये पूरे यूनिवर्सल के हिसाब से तू सोच ले, तो उसके हिसाब से भी तू अगर सोचेगा तो तेरा यही तो वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है? बी चाहिए बट ए नहीं चाहिए, क्या ये यही वाला पार्ट नहीं है, हाँ या नहीं बता दे बस तू मेरे को। यस सर, यही है ना, हाँ। तो अब मेरे को एक बात बता, इसको कैसे निकालता है, इस वाले पार्ट को कैसे निकालता है? तो बी में से इस इंटरसेक्शन को ही तो माइनस करता है ना, वही तो लिखा है, क्या दिक्कत है, इतना ठीक है। अब जो तू बोल रहा है, जो तू बोल रहा है, एक मिनट बच्चा, एक मिनट, आई थिंक तू कुछ इस तरह से बोल रहा है, इसको तो इसका तो इंटरप्रिटेशन तो ऐसे समझ सकता है कि बी जब हो चुका है, यानी ये सही बात है, इस थोड़े से पार्ट में कौन है, ए है, तो हमें तो क्या चाहिए, नॉट ए चाहिए, बी जब हो चुका हो तो उसमें नॉट ए कहां पर है, तो ये इसकी बात नहीं कर रहा, तो हमें इस इतने हिस्से की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इतना हिस्सा डिवाइडेड बाय पूरा बी, तो वही तो हम कर रहे हैं मेरे दोस्त, कहां दिक्कत आ रही है यार? एक बहन दूसरे बीच में कुछ बोलना चाह रही थी, कौन थी वो? नहीं तो समझ गई, समझ गई, क्या नाम बेटा तेरा? सर क्या है सर, हम क्वेश्चंस को वेन डायग्राम बना के कर सकते हैं? रोहित मोदी,
बाबू अपने खुद के समझने के लिए आप साइड में वेन डायग्राम बना लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कर सकते हैं इसे बिल्कुल आप। बट आप बोलोगे कि नहीं मैं तो ये सब कुछ लिखूंगा ही नहीं, सीधा मैं ऐसे डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, बेटा ये गड़बड़ हो जाएगी मेरे भाई, ऐसे नहीं होगा, फिर आपको ये सब चीज लिखनी पड़ेंगी। ठीक है दोस्त? ठीक है सर। अबे कौन स्कैम कर रहा है? ओके ये हुआ, अगले पार्ट पे चलो बच्चों, अगले पार्ट पे चले। थर्ड में क्या बोला? ए बट नॉट बी। उगल एकदम सिंपल रखेंगे दोस्त, ठीक है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या आएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन? डिनोमिनेटर में क्या आएगा? नॉट बी, मानता है बच्चों ये? ठीक है देख लो, फॉर्मूले में सही वैल्यू पुट करी मैंने, न्यूमरेटर में दोनों का इंटरसेक्शन और डिनोमिनेटर में जो इवेंट हो चुकी है इतना, ठीक है भाई। और उसको आप क्या बोलते, ए हो बट बी ना हो, कह दूं ए में से माइनस कर दो ए और बी का इंटरसेक्शन। और नॉट बी कैसे निकलता? वन में से बी माइनस करके, ये ठीक है। और ए है 0.4, ए है 0.4, इंटरसेक्शन आपने निकाला था बेटा 0.3, 1 माइनस और बी की वैल्यू है 0.5, तो 0.1 के अपॉन में 0.5 और आपका आंसर आ जाएगा 1/5 व्हिच इज 0.2। क्या ये ठीक है बच्चों? यस सर। भाई जी स्कैम नहीं स्पैम बोलते, ठीक है बेटा। थर्ड भी हुआ, फिर फोर्थ पार्ट में लास्ट पार्ट, फिर क्या बोला गया? नॉट ए बाय नॉट बी, नॉट ए बाय नॉट बी, सिंपल भैया सिंपल। न्यूमरेटर में दोनों का क्या इंटरसेक्शन, डिनोमिनेटर में क्या? नॉट बी, ये ठीक है। अच्छा वो कैसे आता है, कह दूं वन में से यूनियन, वन में से यूनियन माइनस करके आता, थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था हमने बच्चों, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस बी, और यूनियन कितना दे रखा भैया? यूनियन 0.6 और बी कितना दे रखा? 0.5, ऊपर 0.4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/5। कैसा लगा भाई, सही है बच्चों? हां जी सर। बड़े आगे बढ़े सर। यस सर। क्या है क्या है? क्या नहीं समझ में आया कहां दिक्कत हुई सर? इसमें नहीं, दूसरे वाले में। किसमें सर? इसमें इंटरसेक्शन कैसे आ रहा है बार बार? बाबू किसमें इंटरसेक्शन कैसे आ रहा है निमिता? किसमें इंटरसेक्शन कैसे आ रहा है बोलो जरा एक बार। PA माइनस PA इंटरसेक्शन भी और PB माइनस PB इंटरसेक्शन, इसकी बात कर रही हो? हाँ। मेरी बहन उसको फॉर्मूला बोलते, जो तो अभी वो बड़े ही मतलब चाव से तो लॉजिक समझ रही थी ना बेटा हर चीज के, तो मैं बोल रहा था कि बेटा एंड में फॉर्मूला ही याद रखना पड़ेगा। बाबू वो वही तो है, B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, ये फॉर्मूला लिखवाया था बाबू भी? अरे सिर्फ फॉर्मूले से काम चल जाएगा ना? हाँ भाई, बट ये फॉर्मूला भी तो वेन डायग्राम के थ्रू लॉजिक से सब पता चल ही रहा है ना कि क्या है। yes, क्यों sir. इतना मुश्किल थोड़ी है इसको याद रखना सर। एक बार A रिपीट कर दो। कौन सा वाला बेटा? पहली बार सर। ए ए ए निमिता तेरा क्लियर है कि नहीं है बहन? ये तो फॉर्मूला लगा है ना बेटा, जिसका लॉजिक तूने थोड़ी देर पहले समझ लिया था, जो मैं अब दोबारा नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो वीडियो को बैक करके दोबारा समझ सकती है उसको। सर नहीं वो तो ठीक है। हां तो क्या दिक्कत है फिर? करे नहीं भैया टाइम पास नहीं हो रहा ऐसे तो। हां बोल बेटा क्या दिक्कत फिर? और क्या दिक्कत है फिर? मैं पी भी लिख दूं उसकी जगह। किसकी जगह पर? किसकी जगह पर? हे भगवान किसकी जगह पर? क्लियर तो कर रहे यार, क्या है किसकी जगह पर बेटा? किसकी जगह पर? सर मैं इसकी जगह कह दी थी PA माइनस PB। किसकी बात कर रही है अरे? तुम्हें पता चल रहा है बच्चों? सर इसकी इसकी बात कर रही है। इसकी 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 किसकी किसकी इसकी? अबे यार किसकी इसकी टू इसकी सर बहन इसकी बात कर रही है ना बहन? ये वाला पार्ट ये। हाँ तो ये A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इसका फॉर्मूला है बेटा ये, जो आपने स्टार्टिंग में देख लिया तो वो तो वही तो अप्लाई किया मैंने, और क्या दिक्कत है इसमें? इसको तो आराम से बेटा देखो, ज्यादा अभी सोचो मत, आपको समझ में आ चुका है, बस आपको करना क्या है, थोड़ा ठंडा पानी लेना बेटा, ठीक है? टंकी वाला मोटर मत चलाइयो,
अगर बोरिंग लगा के है ना, बोरवेल वगैरह जो होते हैं उसके थ्रू जमीन वाला पानी मत खींच लेना, टंकी वाला पानी बेटा मुंह पे मारना जोरों से एक बार, समझ पा रही हो बात को? फिर उस हाँ ठंडा ठंडा पानी एकदम लगना चाहिए भाई दिमाग में एकदम, ठीक है ना? तब उसके बाद बेटा इसको तो एक बार दोबारा से देखियो, तब समझ में आएगा, ठीक है? हाँ वो बच्चा कह रहा है भैया ये क्या हो रहा है, मैं क्या बोलूँ बेटा, ज्यादा नहीं एक दो ही है बेटा ऐसे यहाँ पे, बट मेरे वो भी बच्चे ही है ना, क्या करें, जैसे भी हैं टेढ़े हैं पर मैं तो अपने ही है ना, क्या करें बेटा। हाँ बाबू किसकी बात कर रहा तू? फर्स्ट ये वाला पार्ट, ए बाई बी का फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में बी, क्या ये करेक्ट है दोस्त? पीछे लिखवा ना आपने, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपने 0.3 निकाल रखी थी और बी की प्रोबेबिलिटी बेटा आपने 0.5 निकाल दी, तो 3/5 आपका बड़ा आंसर आ गया, ठीक है? चले बड़े बच्चों आगे बढ़ो। यस सर। भाई बहुत खतरनाक बच्चे हैं यार। सर एक क्लास कब खत्म होगी? चलेगी बड़े 12 बजे तक। जी कितने बज रहे हैं? 11:15 हो गए भाई यार। ओके डिटरमिन ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है यार बच्चों, ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ई का मतलब क्वेश्चन में खुद दे रखा है और एफ का मतलब भी दे रखा है बच्चों। एक एक्सपेरिमेंट किया हमने, क्या बोला है कि एक कॉइन को टॉस किया कितनी बार? 3 times। एक कॉइन को एक बार थ्रो करते हो तो 2 outcomes होते हैं, 2 बार थ्रो करते हो तो 4 outcomes होते हैं। रूल है 2 की पावर में n। एक बार थ्रो करने पे 2, 2 बार थ्रो करने पे 4, 3 बार थ्रो करने पे 8, 4 बार थ्रो करने पे 16। डाइस के लिए रूल है 6 की पावर n। एक बार थ्रो करने पे 6 outcomes, 2 बार थ्रो करने पे 36 outcomes, 3 बार थ्रो करने पे 216 outcomes। यहाँ पे कह रहा है डाइस को मैंने 3 बार थ्रो किया, तो मुझे ये बताओ क्या सैंपल स्पेस के अंदर टोटल 8 outcomes होंगे कि नहीं होंगे, ये बताओ। ठीक है अब उन 8 outcomes को अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, और ना भी लिखो तो कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती है। ये देखो तुम्हें फाइंड करना क्या है, क्या बोल रहा है, हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस। देखो भाई दिमाग में अगर सोच पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है। कॉइन को कितनी बार थ्रो किया था बेटा? 3 बार, 3 times। बताओ पहले थ्रो पे भी कुछ आया होगा, दूसरे थ्रो पे भी कुछ आया होगा, बट इसने बोला हेड आया किस पे? ऑन द थर्ड थ्रो। इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालो, ये बात ठीक है? अब मुझे बताओ इन दो दो ब्रैकेट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? एच 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 टी टी एच और टी टी, क्या ये 4 ही एलिमेंट होंगे बेटा? यस सर। यस सर। ये बात ठीक है बच्चों? यस सर। फिर इवेंट एफ, हेड ऑन फर्स्ट 2 tosses, हेड ऑन फर्स्ट 2 tosses, पहले पे और दूसरे पे क्या आया है? हेड आया है, लेकिन तीसरे पे क्या आया ये इसने नहीं बताया, तो तुम खुद गैस करो क्या आ सकता है। टेल आ सकता है, क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनती है बच्चों? नहीं सर। किसी को यहां तक दिक्कत हुई बच्चों? नो सर। अब मुझे बताओ अगर तुमसे पूछा जाए कि ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी, ई बाई एफ भी तो फाइंड करना है ना, तो E by F का मतलब F को अगर सैंपल स्पेस मान लें तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, न्यूमरेटर में इंटरसेक्शन, सही बात है, फॉर्मूला यही है। यस सर। मुझे बताओ F के अंदर कितने एलिमेंट हैं बच्चों? 2। अब बताओ इस E और F में कितने एलिमेंट हैं?
इनके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होंगे जरा बताओ। वन। कौन है? ट्रिपल एच। ट्रिपल एच। तो एक एलिमेंट है इंटरसेक्शन में, क्या आंसर के रूप में बेटा 1/2 बोल दिया जाए? यस सर। मुश्किल काम है भाई? नो सर। यस सर। मुश्किल काम है? नहीं है सर। सर इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन जो है मतलब इसमें हमको लिखना है कि ब्रैकेट के अंदर मतलब कितने आउटकम्स हो सकते हैं, उतने मतलब नंबर है मतलब। उसकी प्रोबेबिलिटी देख एक्चुअल में क्या है ना, कॉमन आ रहा है। देख देख होता क्या है ना, ये एफ है, एफ में दो ही एलिमेंट है। पूरे सैंपल, पूरे यूनिवर्सल में सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट थे जब हमने कॉइन को थ्रो किया था? तो एट। तो एक तरह से देखा जाए एफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/8 है, और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इसमें देख एक ही एलिमेंट है तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। तो वो 8 से 8 बेटा कट जाएगा और आपका आंसर अल्टीमेटली आएगा कितना, 1/2। समझा? ओके। अच्छा मेरी बात सुनना, ये ई तो मैंने फालतू में लिखा ना यार, फालतू में नहीं था, तुमने उसको और इसको देखकर ये इंटरसेक्शन बताया। बट मैं तुमसे कहता हूं छोड़ो मत लिखो इसको, सिर्फ एफ को लिख लो। अब ये सोचो ये जो दो एलिमेंट आए हैं क्या वो दोनों एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? एच एच टी हेड ऑन थर्ड टॉस क्या इसमें है? No. क्या उसमें है? तो यानी कि वही इंटरसेक्शन होगा भाई। समझ पाई क्या बोला मैंने निमिता? यस सर। मैंने बोला एफ के अंदर जो जितने भी एलिमेंट हैं, ये सोचो कि उन एलिमेंट में से कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। आपको इन सबको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं थी। समझी बहन? फिलहाल हमने ये किया, मैं एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा बहन। इसका सेकंड और थर्ड पार्ट में आपके हवाले छोड़ रहा हूं। मैं आपको एक सुंदर क्वेश्चन दिखाऊंगा, सुंदर क्वेश्चन दिखाऊंगा बेटा मैं आपको। इस क्वेश्चन में काम करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलता हूं। पहले तो जो पूछा वो निकालते हैं। फाइंड करना है ई बाई एफ, ये कहां लिखा है? ये क्वेश्चन के यहां पर लिख दिया था कि 6 से लेकर 9 तक जितने भी क्वेश्चन है सब में ई बाई एफ फाइंड करना है, ई बाई एफ। तो बच्चे जरा सोचो, एक इवेंट है ई। देखो पहले बोला क्या, एक डाई को थ्रो किया 3 बार, एक डाइस को थ्रो किया, अरे कौन लड़ रहे हैं, आकर्ष भाई है सर। आकर्ष किसे लड़ रहा है? वो औकात की बातें नहीं करनी चाहिए बेटा किसी को भी, ठीक है भाई? समय बड़ा बलवान है, आज में भी तुम बहुत बलवान होंगे है ना, कल को बेटा जरूरी नहीं कि तुम्हारा टाइम अच्छा रहे। इस तरह की बातें मत करो, प्रेम भाव से रहो भाई, प्रेम भाव से। समझ पा रहे हो? पर मेरे कमेंट चेक कर लो, मैं तो कुछ नहीं सर भैया। आकर्ष भाई गुस्सा मत करो, आप भी गुस्सा मत करो बेटा, कोई फायदा नहीं बेटा इन सब बातों में, ठीक है? प्रेम भाव से इग्नोर करो बेटा, इग्नोर। देखो कुछ चीजों का एक ही जवाब होता है, शांति। कभी कभी मुझे भी गुस्सा आ जाता है, फिर बाद में मुझे रियलाइज होता है कि यार मैंने क्यों इस बच्चे को उल्टा सीधा बोल दिया ना। नहीं ले, शांति रहो बेटा, लड़ना नहीं पड़े किससे भी, ठीक है बाबू? कोई अगर गाली गलौज एक्स्ट्रा कुछ अगर उल्टा सीधा लिखने लग जाए है ना, तो उस सिचुएशन में सीधा ब्लॉक करना है बेटा, ठीक बाबू? देख कितना ये क्या कितना सुंदर टॉपिक चल रहा है मेरे दोस्त, ये तुम्हें एग्जाम में कितने मार्क्स दिलाएगा? 10 नंबर दिलाएगा बेटा चैप्टर में तुम्हें। इतना सुंदर टॉपिक चल रहा है, तुम लड़ रहे हो बेटा, तुम्हारा ध्यान लड़ने पे, ऐसे मत करो, गंदी बातें बेटा है, अच्छी बातें करो, गंदी बातें नहीं करनी है, ठीक है बाबू? देश में बताओ यार, देश पूरा एकदम राममयी हो रखा है, बताओ है? तुम पूरा एकदम रावणमयी हो रखे हो सारे, बताओ है? सारे कंसमयी हो रखे हो, ऐसे कैसे हो जाएगा यार? ऐसे नहीं करना बेटे, गलत बात है, ठीक है? प्रेम भाव से रहो, और अगर सही में लड़ना है तो कुंतल बेटा एक सिंपल सा तरीका होता है, अपना नंबर यहाँ पब्लिक में डाल दो, अपना एड्रेस, सही एड्रेस आधार कार्ड पे जो तुम्हारा एड्रेस है उसको पब्लिक में डाल दो,
ठीक है, और तब मिलो कि बुला भाई आ जा तू मेरे से मिल लड़ भैया, है ना, वो फाइट होगी बढ़िया। जब वो वाली फाइट करोगे ना प्लीज रिकॉर्ड, प्लीज रिकॉर्ड करना भाई, हम मेरे को जरूर भेजना फिर, समझ पा रहे हो? वही तो वो, मैं उस फाइट को मैं अपने चैनल पे डालूंगा बेटा फिर, ठीक है? वो ऐसे फाइट सर मजा, ऑनलाइन ऐसे नहीं होना चाहिए ना यार, वो गलत बात हो जाती है, ठीक है भाई, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए बेटा, गलत चीज है। अगर सही में है तो, सही में अगर दम है तो भैया अपना नंबर पोस्ट करो कि भाई तो कॉल कर ले मेरे को, अपना एड्रेस भी पोस्ट करो, चल भाई आ जा, ठीक है, और तब लड़ो भाई पूरे बढ़िया से, तब तब दिखाओ एक दूसरे को औकात पूरी मस्त तरीके से, ठीक है भाई। ऐसे कहा ऑनलाइन में, ऑनलाइन में तो भैया देख लो डेली लोग सलमान खान को गालियां दे रहे होते हैं, सही बात है, और बाद में फिर उसके बिग बॉस में भी चले जाते हैं, तब वहां पे जी भैया लगे रहते हैं, है ना, तो ऐसे नहीं होता, ऑनलाइन में तो कुछ भी हो सकता है यार। एक चींटी भी एक हाथी को बोल सकती है अबे अपनी औकात में रहे, अभी काट दिया ना तेरे को तो पता चलेगा, है ना, और वो हाथी भाई वो शांत, वो उसे कुचल देगा, पता चल जाएगा भाई, तो नहीं, तो ऐसे नहीं करना बेटा, तमीज से रोहित, है ना, इज्जत से रोहित, बढ़िया से, ओके चलिए, देखेगा बेटा है, देखेगा। यस सर। हाँ, अ डाई इज थ्रोन थ्री टाइम्स, फोर अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस। अच्छा सोचो, डाइस को तीन बार थ्रो किया, डाइस को तीन बार थ्रो किया बेटा, टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 6 की पावर में 3, 216। तो निमिता तेरे से ही बात करेंगे यार, तू समझ गई तो मतलब सब ऑब्वियसली सब समझ जाएंगे, है ना। तो निमिता बहन 216 आउटकम्स हैं, अब 216 आउटकम्स को तो ऑब्वियसली मैं नहीं बनाऊंगा, इतना टाइम तेरे पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं है, है ना। कोई बच्चा अगर सोच रहा है कि सर भैया आपने तो इस क्वेश्चन को ऐसे कराया, सैंपल्स पे आपने लिखवाया ही नहीं, भाई मैंने जानबूझ के नहीं लिखवाया, क्योंकि यहां पे इसलिए लिखवाया कि ताकि आदत पड़े भाई बिना सैंपल स्पेस के भी करने के क्वेश्चन की। अब तो बोलोगे नहीं सर हम तो एग्जाम में इसमें भी लिखेंगे, तो भैया तुम इसमें लिख के दिखाओ बस के तुम्हारे, तो फिर नहीं लिख पाओगे, तो इसलिए सीखो बिना पूरा सैंपल स्पेस बनाए भी बेटा हमारा क्वेश्चन बनेगा। क्या है? इवेंट ई, फोर अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, फोर ऑन थर्ड टॉस। देख मेरी बहन यहां पर एक बात बोल रहा है कि डाइस को पहली बार भी थ्रो किया, दूसरी बार भी थ्रो किया, उन दोनों पे क्या आया हम तुम्हें ये नहीं बता रहे, पर तीसरे थ्रो पे तो पक्का फोर आया होगा, हम तुम्हें ये बता देते हैं। बताओ इस चीज के होने के चांसेस क्या हैं, इस चीज के होने के चांसेस कितने हैं? तो क्या बोली निमिता, क्या बोली सर? इसके अंदर हम 36 पढ़ सकते हैं, 36 लिख सकते हैं। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, अद्भुत। अब इवेंट एफ, मेरी बहन हमें क्या इवेंट गिवन है? 6 and 5 अपीयर्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, क्या रिस्पेक्टिवली लिखा बेटा आगे? रिस्पेक्टिवली, तो इसका मतलब क्या है? पहले पे 6 होगा, यही कोई हंस रहा रो रहा है, ये कौन है? 6 5 पहले पे 6 आया, दूसरे पे 5 आया है, तीसरे पे क्या आया है ये तुम खुद सोचो, बताओ पहले पे 6 है, दूसरे पे 5 है, तीसरे पे क्या आया बताओ, तीसरे पे क्या क्या आ सकता है बच्चों? 6 आउटकम्स है टोटल, यहां पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 6 5 1, 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6, ये ठीक है? Yes, sir. अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इंटरसेक्शन निकालना है अगर, तो सोचो क्या 6 5 1 इसके अंदर होगा? इसके अंदर? Yes, sir, होगा। हे भगवान निमिता, सोच जरा, थोड़ा सा तो बुद्धि का इस्तेमाल कर यार। निमिता क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? 4 on 3rd toss, क्या इसमें 4 है 3rd toss में? निमिता नहीं है, 6 5 2 6 5 3 कोई नहीं होगा, एकमात्र कौन होने वाला है? 6 5 4, सब ठीक है ना निमिता? मैं भी यही सोच रहा था कि क्या सोच रही होगी ये, जो उसने 6 5 1 बोल दिया। ओके सो भाई ये आया इंटरसेक्शन, किसी को इंटरसेक्शन निकालने में दिक्कत है बच्चों? किसी को इंटरसेक्शन में दिक्कत है बच्चों? नाउ हमें चाहिए ई बाय एफ, बोल बेटा बोल बोल, शाबाश, हां बोल बेटा। सर ई और एफ में से कोई सा भी हम एक सैंपल स्पेस बना के, तो हाँ फिर दूसरे को, दूसरे से पता चल जाएगा, दूसरे के थ्रू हम इंटरसेक्शन निकाल देंगे फिर, हाँ ऐसे बिना लिखे उसको पूरा, ठीक है? अब ई बाय एफ,
तो न्यूमरेटर में हमारा रहता है इंटरसेक्शन और डिनोमिनेटर में रहता है बेटा एफ। तो इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट है, कितने में से, 216 में से, और इस एफ में कितने एलिमेंट है बेटा, एफ में 6 एलिमेंट है 216 में से। निमिता पता है ना 216 कैसे आया? Yes, sir. वो हमने डाइस को 3 बार थ्रो किया था, और तुझे अगर ये नहीं लिखना तो सीधा बहन तू 1/6 लिख दे, तो भी कोई टेंशन वाली ऐसी बात नहीं है बेटा। 1/6 आंसर आ रहा है, क्या इतना समझ पा रहे हो भाई, समझ में आ रहा है इतना? Yes, sir. मैं बढ़ू आगे बढ़ू गाइज? कैसे? हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। ये आपका दो नंबर का क्वेश्चन है बेटा, जिसमें आप ये चीज लिखने के एक नंबर मिल जाएगा, फिर ये फॉर्मूले के साथ वो लिखने के बाद आपको दो नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है सर, ये 4 आने की पॉसिबिलिटी 36 कैसे हुई? मैं बाबू मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ, तेरा भाई उसी पे आ रहा है बिल्कुल बेटा। कौन कह रहा है, रिपीट वाला नाम बता बेटा एक बार, अपना नाम बता अपना। निखिल, निखिल थोड़ा सा परेशान है आज, कहाँ पे दिक्कत हुई बेटा तेरे को बता, किस चीज में दिक्कत हुई बाबू, क्या चीज नहीं समझ में आई? पहले क्वेश्चन में तो तेरे को फॉर्मूला ही तू गड़बड़ कर रहा था फॉर्मूले में, यहाँ क्या दिक्कत है बता बेटा। निखिल बोल, निखिल निमिता जैसी हरकत नहीं करनी फिर ना, देखा चल मैं इस क्वेश्चन के थ्रू एक बार दोबारा समझाता हूँ। ठीक है दोस्त, देख लीजिए एक बार, इवेंट ई क्या बोला, 4 ऑन थर्ड टॉस, और एफ क्या बोल रहा है, 6 एंड 5 ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, ये ठीक है। मुझे एक बात का जवाब दे, 4 ऑन थर्ड टॉस का मतलब क्या है, कि डाइस को तूने पहली बार भी थ्रो किया था, दूसरी बार भी थ्रो किया था, और तीसरी बार भी थ्रो किया था, क्या बात सही है? तीनों थ्रो पे कुछ ना कुछ नंबर तो आए होंगे ना मेरे दोस्त, टोटल 216 पॉसिबिलिटी बन रही है। इसने क्या बोला, 4 ऑन थर्ड टॉस, भैया कह रहा कि इस पे 4 आया होगा, तो मैं तेरे से बोल रहा हूं कि अगर इस पे 4 आया है तो इन दोनों पे क्या आया होगा, इस चीज को तो आइडिया लगा सकते हैं, इन दोनों पे क्या क्या हो सकता है? निखिल सोचो भाई, इन दोनों में क्या क्या आ सकता है, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी, इस इवेंट ई के अंदर टोटल कितने एलिमेंट होंगे, मैसेज में लिख के बताओ जल्दी से। निखिल क्रॉस 6, निखिल भाई गायब हो गया फिर, तू नहीं सोच पा रहा, देख रहा है यहां पे क्या हो सकता है, कि यहां पे 1 1 हो, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, कितने केस लिख दिए मैंने, 6 केस लिख दिए। अब सोच, 2 1 2 2, 2 3 2 4 2 5 2 6, 6 केस ही हो गए, फिर एक बार 3 वाला, फिर एक बार 4 वाले, फिर एक बार 5 वाले, फिर एक बार 6 वाले, तो 6 × 6 टोटल कितनी सिचुएशन बन गई बेटा यहां पे, 36 बनी कि नहीं बनी? निखिल अब समझा यार, ये बंदा फिर गायब हो गया, किसको समझा रहा हूं मैं? तो भाई इस क्वेश्चन में बेटा मुझे, अब मैंने क्वेश्चन बदल दिया है, हमें लेट से एफ बाई ई फाइंड करना है बच्चों, एफ बाई ई, इस बार एफ बाई ई फाइंड करना है। फिर अब जरा देखना निखिल भाई, एफ इवेंट में क्या था, 6 और 5 ऑन द फर्स्ट टू टॉसेस रिस्पेक्टिवली, कह रहा कि पहले जो दो थ्रो हुए हैं ना उस पे पहले पे 6 और 5 आया है, पहले पे 6 आया है और दूसरे पे 5 आया है, तीसरे पे क्या आया है वो तुम गैस करो, तो खुद सोच तीसरे पे क्या आ सकता है, तो सारी पॉसिबिलिटी तो लिख डाल, 1 2 3 4 5 और 6। रही बात अगर इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन में तो देख 6 5 4 यहां पर है, 6 5 4 वहां पर भी होगा। नाउ हमें चाहिए क्या, एफ बाय ई। तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा बेटा, न्यूमरेटर में इंटरसेक्शन रहेगा और डिनोमिनेटर में ई की प्रोबेबिलिटी आएगी। तो देखो भाई, इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट है, बताओ ई में कितने एलिमेंट थे बेटा, ई में कितने एलिमेंट है बच्चों, ई में 6, ए भगवान 36 36 36
ए शाबाश, एक और आ गया। कहाँ था बेटा? ई में कितने हैं भाई? 36 है कि नहीं है? 36, 36। हाँ। एक से बड़े कार्टून सारे यार, हैं? अच्छा मेरी बात सुनो, देखो आपकी जो प्रॉब्लम होती है ना बेटा, वो जो चीज नहीं समझ पा रही ना, उस बात को एक बार बताने की कोशिश किया करो, बस एक बार बोल के चुप मत हो जाया करो कि सर डाउट है। अब डाउट है तो क्या डाउट, मुझे भी तो पता चले दिक्कत क्या रही, तभी तो मैं उस वाले पार्ट को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। क्यों भाई? Yes, हाँ सर, ये नॉट वाला तो सिलेबस में नहीं है इस साल, क्या बात कर रहा है, हैं? सीबीएसई ने लिखा हुआ है कहीं पे कि नॉट वाला क्वेश्चन नहीं देंगे इस बार, है भाई? श्रेयांश जसवाल, निशिका पेंटिंग कह रही सर 36 कैसे है, बिल्कुल बेटा 36 कैसे है, इस चीज को समझना, इस पर बच्चों को दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा। जो आपने डाइस को तीन बार थ्रो किया है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, इसने क्या बोला? फोर ऑन थर्ड टॉस, कह रहे इस बॉक्स पे सिर्फ फोर ही आना चाहिए। तो बताओ इस बॉक्स को भरने के लिए कितने ऑप्शन है? केवल एक ऑप्शन है बच्चों, बट इन दोनों के लिए उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 कोई भी यहां पर आ सकता है, तो इस बॉक्स को भरने के लिए 6 ऑप्शन, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 यहां पर भी कोई 6 आ सकता है, यहां के लिए भी 6 ऑप्शन, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 36 हो गए। बाकी ये तो मैंने चलो परम्यूटेशन वगैरह बता दिया, अब जरा खुद दिमाग लगाओ बेटा कि तीसरे नंबर पे 4 है, तीसरे नंबर पे 4 है, पहले दो नंबर पे क्या होगा? तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 छह केस ये हो रहे, फिर ऐसी 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 छह कैसे हो रहे हैं, ऐसे ये 6 कैसे जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 6 × 6 36 सिचुएशन में आपकी यहाँ पर बन जाएंगी। निशिका पेंटिंग सर, हाँ जी बेटा, नियति बोलो बेटा क्या कर रहे हो सर? इसमें 36 तो अपन ये फर्स्ट टू डिजिट्स के ले रहे हैं ना इस हिसाब से, हाँ तो थर्ड उसमें तो फिक्स है ना, थर्ड वाले पे तो 4 ही आएगा ना, यहाँ तो 4 ही आएगा, क्यों? हाँ सर, हाँ, कैसी बात कर रही है यार? बड़े आगे बढ़े भाई, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर छुट्टी करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करके छुट्टी करते हैं, थक गए क्या? थक गए सर, एक लास्ट कर लेते हैं, छुट्टी कर लेते हैं फिर आप सर, एक नहीं थक गए सर, आज सर कम समझ में आ रहा है सर, थक गए क्या सही में? नहीं पता नहीं क्या क्या एकदम, चलो ये कह रहे बस सर, चलो चलो ठीक है, काम करते हैं थोड़ा ना, जो मैंने पढ़ाया है इसको चलो रिवाइज भी करना, ठीक है? वो निखिल, निखिल जैसे बच्चे का दिमाग वो क्या बोलते बंद हो गया है, ये बंदा कह रहा है कि ए वाई बी का फॉर्मूला, आप ये फॉर्मूला कैसे लिख रहे हो, हैं? चलिए ओके, तो आज का सेशन भाई यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं, ठीक है? कल मिलेंगे, सुन लो मेरी बात, सुनो ध्यान से, आज आप लोग एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज करना, सुन रहे हो? एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज करना, जो बोल रहा हूं वैसे करना, सभी बच्चे एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज करना, जिससे एनसीईआरटी हो जाए वो मेरा असाइनमेंट उठा लेना, फिर ऐप पर असाइनमेंट आपको दिख जाएगा, वो असाइनमेंट उठा लेना फिर, ठीक है? बट पहले एनसीईआरटी करना, इंक्लूडिंग ऑल द एग्जांपल, ओके? चले आज के सेशन समाप्त कर रहे हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज ना, हाँ फर्स्ट एक्सरसाइज बेटा, फर्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल, पहले एक्सरसाइज बस। कौशल पाठक बोल बेटा। सर एक मिनट, एनसीईआरटी की पीडीएफ खोल के सिक्स्थ पोर्शन निकालना, निकाल दिया मैंने, पढ़ क्या बोल क्या दिक्कत उसमें था सर? उसमें जो सेम दो लास्ट ये दो केसेस हैं, फर्स्ट वाले केस जो उसमें सर, हां वो मीनिंग समझा दो सर उसको, एट लीस्ट वगैरह, एट लीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम, एट जब हम बोलते हैं एट लीस्ट वन, तो उसका मतलब होता है कि एक तो जरूर हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और एक एक और था वो एटमोस्ट का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा होते हैं, जैसे मैं बोलूं एटमोस्ट टू, तो यानी कि दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए, दो से कम हो सकते हैं, जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? चलिए ओके बेटा, मिलते हैं, बाय बाय, गुड टाइम, थैंक यू सर।